भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मुजफ्फरनगर को जमने में थोड़ा सा वक्त लगा भाई साहब, बहुत बहुत एक वक्त है और मैं उससे शुरू करता हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे भी आपका तारुफ कराना चाहूंगा। गौरव जैन जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी। मैं समझता हूँ चुनाव का वक्त है, आने जाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। समाज गौरव जी, उन्होंने कहा कि मैं मई जून को भी शिमला बना सकता हूं, उन्होंने कहा कि मैं गर्मी निकाल दूंगा। हाँ जी, एक मिनट सर, भाई साहब नाउ यू प्लीज सिट डाउन। जी उन्होंने कहा मैं गर्मी निकाल दूंगा, वो किसकी गर्मी निकालना चाह रहे? किसानों की गर्मी निकालना चाह रहे जो लगातार उनका विरोध कर रहे हैं, वो व्यापारियों की गर्मी निकालना चाह रहे हैं, वो उन बेरोजगारों की गर्मी निकालना चाह रहे हैं जिन पर उन्होंने लखनऊ के अंदर लाठीचार्ज करा दिया, वो उन पढ़े लिखे नौजवानों की गर्मी निकालना चाह रहे हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, वो किसकी गर्मी निकालना चाह रहे हैं? हम जनता से इतने नाराज क्यों हैं योगी जी? अभी एक व्यक्ति इनके हिसाब से तो भले होंगे लेकिन प्रदेश के लोगों के लिए माफिया है, क्रिकेट खेलते नजर आए थे, उनकी गर्मी नहीं निकाल पाए। अरे आपके यहाँ तो माफिया क्रिकेट खेल रहा है, उनकी गर्मी तो आप निकाल नहीं पाए, समाजवादी वाली बोल रहे हैं, आप हमारी तरफ आंखें तो जर्मन भाई आ रहा हूँ। आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पिछले 5-6 ट्वीट देखिए, आपको खुद अंदाज हो जाएगा भाईचारा कौन तोड़ना चाहता है। आज इनके पास बताने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं है, विकास के नाम पे कुछ नहीं है, नहीं बता पा रहे किसको कितनी नौकरियां दी, पूरा प्रदेश बर्बादी के कगार पे इन्होंने लाके खड़ा कर दिया। आज गर्मी जनता इनकी निकालने जा रही है, 10 तारीख में पता लगेगा। मैं आगे समाजवादी पार्टी देन जाओ रहमान साहब देन कांग्रेस। देखिए कुछ चंद भाजपा के हमारे साथियों ने बात कही, दो लूट का खुलासा तो उन्होंने अपने मुंह से किया। मेरठ के अंदर दो व्यापारियों को सरेआम सरे बाजार के बीच में गोली मार दी गई, अलीगढ़ के अंदर व्यापारी का कत्ल कर दिया गया, गोरखपुर के अंदर इस भाजपा की पुलिस ने खुद एक व्यापारी का कत्ल कर दिया, हाथरस के अंदर क्या हुआ सबने देखा, इनके विधायक कुलदीप सेंगर ने कहा लखीमपुर खीरी में किस तरह किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई और उनका मंत्री आज भी खुलेआम घूम रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, समाजवादियों की दी हुई यूपी 100 की व्यवस्था को भी इन लोगों ने पूरी तरह ध्वस्त। नायू रिप्लाई बहुत अंडरगल पलाप है। अभी इन्हीं का एक कार्यकर्ता मीरापुर के अंदर जब उनको जनता ने सवाल पूछने के लिए घेर लिया तो सरेआम जनता के ऊपर सीधी पिस्टल निकाल ली। ये उस कानून व्यवस्था की बात करने वाले लोग हैं, इनका इनका मंत्री का पुत्र किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है, ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। जी जनाब, प्लीज कांग्रेस का पार्टी से ये सवाल क्यों कह लेता है भाई? गुंडागर्दी नहीं खत्म होती आपके यहाँ भाई? गुंडागर्दी नहीं खत्म क्यों? एक मिनट आ रहा हूँ। नहीं जवाब देने दीजिए जी। देखिए इसका बड़ा माकूलता जवाब है, प्लीज जी, एक बड़ा माकूल का जवाब है भाई। ये अगर देखिए ये करेंगे तो प्रोग्राम खत्म कर दूंगा। भाई एक मिनट रुकिए जी, सरकारें कोई भी हो थोड़ी या ज्यादा घटना होती रही है, लेकिन जरूरी है कि जिसकी जिम्मेदारी है सरकार की सर्विस देना, किसी भी घटना को गंभीरता से लेना, तो लिहाजा समाजवादी सरकार ने अखिलेश यादव जी ने हर घटना को गंभीरता से लिया। यूपी 100 की व्यवस्था थी, 1090 की व्यवस्था थी, आप आज भी वो व्यवस्था चल रही है, आप फोन कीजिए सही 5 होने पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। इन्होंने उसका बजट घटा दिया, उस व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा नहीं कर पाए, उसमें कुछ आगे बढ़ोतरी नहीं कर पाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सीधी सी बात है, सरकारों का काम है सर्विस देना, रोटी कपड़ा मकान सड़क सुरक्षा बिजली पानी की बात करना। मैं चैलेंज करता हूं भाजपा के प्रवक्ता है खड़े, मैं चैलेंज करता हूं, मैं प्रतीक जी आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 2012 से 17 तक समाजवादियों की सरकार रही, मैं अपना मैनिफेस्टो मंगा लेता हूं, 17 से 22 आज 22 हो गया, सरकार इनकी है, ये अपना मैनिफेस्टो मंगा लें, मैं अपने मैनिफेस्टो के अलावा 100 काम ऐसे बताऊंगा जो हमने करने का काम किया था, ये आज की सरकार के बताए इन्होंने क्या करके।